नागरिकता संशोधन बिल को लेकर यूपी के रामपुर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई थी। झड़प में एक युवक की मौत हो गई। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े। हालांकि अभी तक पुलिस ने किसी की भी मौत की पुष्टि नहीं की है। जानकारी के अनुसार रामपुर में आज CAA और NRC को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाना था, जिसको लेकर जिला प्रशासन की अनुमति नहीं मिलने के कारण रद्द करना पड़ा। बहरहाल इस प्रदर्शन को रामपुर के धर्मगुरुओं ने भी रद्द करने की अपील की, लेकिन लोगों की भीड़ घरों से निकल चुकी थी, इस वजह से उसको संभालना बहुत मुश्किल था। इस प्रदर्शन के दौरान पब्लिक और पुलिस में काफी पत्थरबाजी हुई। इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए। प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस और गुंडियों में तोड़फोड़ हुई और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए प्रदर्शनकारियों को शांत कराया। अब फिलहाल रामपुर में हालात सामान्य है। मौके पर पहुंचे ADG बरेली जोन अविनाश चंद ने लोगों से स्थिति सामान्य रखने और जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। हाँ सही है, कर दे काम, सही है। जबकि ये प्रदर्शन करना चाह रहे थे, तो सर एक जी सर क्या कह रहे थे? ऐसा है कि सारे तहसील मुख्यालयों पर इन लोगों ने कॉल दिया था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से DM और SP साहब ने सारे रिलीजियस गुरु से निवेदन किया था और लोगों ने आग्रह स्वीकार भी कर लिया था कि हम लोग कॉन्ग्रीगेशन नहीं करेंगे और कोई इकट्ठा नहीं होगा। उसके बावजूद भी लोगों ने स्व मोटो वहाँ पर इकट्ठा हुए, चार तहसीलों में ज्ञापन दे करके उनका कार्यक्रम समाप्त हो चुका है। यहाँ पर कुछ अराजक तत्व जो इसमें सम्मिलित थे, उन लोगों ने फिगर ऑफ किया, पत्थरबाजी किया और उससे फिजा भी ली। यहाँ पे दो मोटरसाइकिलें चलाई गई हैं। इस समय यहाँ पे मैं बरेली से आया हूँ, अविनाश चंद एडिशनल DG बरेली जोन, और इस समय यहाँ पर हम लोगों को शांत करने के लिए निवेदन कर रहे हैं और इस समय यहाँ पर शांति बनी हुई है। एक आदमी की मौत की खबर सुन रहे थे, अभी ये सब चीज़ें हम लोग छानबीन करके फिर बताया जाएगा आपको। सर रामपुर अमन-अमान का शहर है, इस शहर को चिंगारी किसने लगाई? ये सारी चीज़ें विवेचना का विषय है, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल सबसे मेरा निवेदन है कि सब लोग इंडिविजुअली अपनी जिम्मेदारी लेते हुए खुद धैर्य बनाए रखें, संयम बनाए रखें, शांति बनाए रखें, किसी के बहकावे में मत आएं, किसी भी के कहने पर कोई चीज़ बात विश्वास न करें और अमन चैन बनाए रखें, उसमें सहयोग करें। सबकी जिम्मेदारी, हर इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है, हम लोग की जिम्मेदारी तो वही है, लेकिन हर इंडिविजुअल तो सबसे मेरा सादर अनुरोध है कि शांति बनाए रखने में अपना बहुमूल्य योगदान दें। सर कई पुलिस की गाड़ियों को भी आग लगाया गया। अभी स्थिति कैसी है सर? अभी स्थिति यहाँ पे सामान्य है और इसको हम लोग पूरी तरह सामान्य करेंगे और पूरी समय यहाँ पे मौजूद रहेंगे। हम लोग पेट्रोलिंग करेंगे सेक्टर जोन से बांट करके और जो भी व्यवस्था है बेस्ट पॉसिबल पुलिस व्यवस्था वो हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे। सर मौत हुई है या नहीं ये हमें कैसे पता लगे? अब हमारे पास तो खबरें आ रही है कि मौत हुई है, ये छानबीन करके अभी आपको थोड़ी देर में बताया जाएगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।